पण जरंगे पाटील जे आहेत हे गुंडाळलं जाणारं व्यक्तिमत्व नाही. अत्यंत फकीर माणूस आहे. मी जेव्हा त्यांना भेटलो तर मला आश्चर्य वाटलं. स्मट होते असं राज्यभर बोललं जातं, फ्रंटलाईनला घेतलं जात नाही असं बोललं जातं. काय असणार म्हणजे यातलं काय प्रश्न आहे तुम्ही उत्तर द्या. एकूण मुंडे भगिनींना थोडंसं बाजूला चाललंय असा एक सूर आहे राज्यामध्ये, तर तुम्हाला असं वाटतं का की भाजपमध्ये अशा पद्धतीने तुम्हाला पाठिंबा? मी पाठीमागे कुठल्या अँगलमध्ये सर्व तो माझ्या पाठीमागे असं मला काही वाटायचं कारण नाही. कारण शेवटी आपण कुठे उभे असतो ना ही आपल्या मन भागातनं काय की भारत अच्छा अफगाणिस्तान पाकिस्तान इराण ये सब इंडिया में लाने की भारत में लाने की तैयारी शुरू है तो मैं स्वागत करूँगा. अखंड भारत का मतलब समझ लीजिए. अखंड भारत यानी सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है. अखंड भारत यानी ये देश में जो सभी जात और धर्म के लोग रहते हैं उसके मन में भी एकता और अखंडता की बात मशाल जलनी चाहिए. जमीन के टुकड़े से सिर्फ देश नहीं बनता, देश लोगों से भी बनता है. विविधता और एकता से देश बनता है. फिर भी अगर संघ के कार्यवाह प्रमुख अखंड भारत की बात करते हैं तो ज़रूर कर लीजिए. ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान जो जो कभी प्राचीन काल में हमारे देश के साथ जुड़े हुए थे वो सबको साथ लाइए. सिर्फ बातें मत करिए. तरीके से उज्जैन नीति का बयान है था पूरे राजनीति में गरमा गई थी उनके बयान को लेकर. सनातन धर्म को उन्होंने कहा था. आज आपने सामना में लिखा है जो तो शिवसेना का क्या रोल है? क्या रोल नहीं, हमने हमारी भूमिका स्पष्ट की. रोल की बात क्या होती है? इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं. देश के बाहर भी रहते हैं, पूरे विश्व में रहते हैं. मारन साहब की कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है, क्योंकि राज्य में द्रविड़ संस्कृति की बात हो सकती है जो कि धर्मों को नहीं मानते, वो उनकी राय है. लेकिन इस देश में हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, जैन है, सभी लोग रहते हैं, लिंगायत है, सभी की भावना है, सभी के धर्म है, सभी की आस्था है और श्रद्धा और अंधश्रद्धा का विषय है सभी धर्मों में है. लेकिन हिंदू धर्म में सबसे पहले ये जो दलितों के बारे में जो छूत अछूत की नीति थी उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाया है, बगावत की है, तो बगावत की आवाज़ हिंदू धर्म से उठी है. महाराष्ट्र हो या देश हो, राजा राम मोहन से लेकर यहाँ ज्योतिबा फुले तक, ज्योतिबा फुले तक, डॉक्टर आंबेडकर तक, बड़े बड़े सामाजिक सुधारणावादी लोग इस देश में हुए हैं. इसलिए ये आज भी सनातन धर्म हिंदू धर्म टिका हुआ है. हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम प्रगतिशील विचारों के लोग. हमारे यहाँ अंधश्रद्धा को कोई स्थान नहीं. सर जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या संदर्भात आता हायकोर्टात चांदलीताई पाटील गेलेले आहेत. चांदलीताई पाटलांचा मूळचा कारखाना होता तो अजित पवारांनी कवडी बोल भावाने विकत घेतला असा आरोप जो आहे तो शालिनी पाटलांनी केलेला होता. जरंडेश्वर कारखान्याच्या संदर्भातची चौकशी किती आहे ती सध्या ईडीकडनं करण्यात येते. हा आरोप जरी शालिनीताई पाटलांनी केला होता तरी त्या आरोपाची चौकशी ईडीनं केली होती. ईडीनं तो कारखाना जप्त केला होता, त्या संदर्भात आरोपपत्र दाखल केलं होतं, त्या संदर्भात गैरव्यवहार झाल्याचं स्पष्ट केलं होतं. पण अजितदादांची टोळी भाजपमध्ये सामील होतात, ही सगळी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं गुंडाळून ठेवण्यात आली. त्याच्यामुळे शालिनीताई पाटील या जर एका लढ्याला उतरल्या असतील तर आमचं त्यांना समर्थन आहे. तर आपण पाहिलं संजय राऊतांनी पुन्हा एकदा सरकारवर टीका केलेली आहे. संजय राऊतांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. तर आपण पाहतोय जरांगे गुंडाळलं जाण्यासारखं व्यक्तिमत्व नाही असंही त्यांनी म्हटलंय. आंदोलनामुळे राज्यातलं वातावरण तापलं असून यावर सरकारनं लक्ष देणं गरजेचं असल्याचं संजय राऊतांनी म्हटलेलं आहे.